I gave 50 figs. 50? 50. Oh my God. No fig, no marriage. तो सब लोग यहाँ पे यार ताश पत्ते खेल रहे हैं. Ladies don't come here. No lady. Men's only. Men's only. Okay. Yeah, men's only. We kill 7 pigs here. 7 pigs? Yes. Oh my God. Lifetime. I'm going now. No, last one. इनमें जब किसी की डेथ हो जाती थी ना तो उसकी डेड बॉडी को इन लोग कुक करके खाया करते थे. काफी लोगों को अरेस्ट किया गया ह्यूमन को खाने की वजह से. बाहर के लोग इस मार्केट में आने से काफी ज्यादा डरते हैं क्योंकि इसका. थैंक यू सो मच. Hey guys, welcome back to the new vlog. मेरा नाम है तोर बशु. अभी मैं हूँ पापुआ न्यू गिनी के द हाइलैंड्स रीजन के माउंट हैगन टाउन में. हेलो नेल्सन, हाउ आर यू? Yeah, वेरी गुड. तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं हाइलैंड रीजन के गोरोका टाउन में था जहाँ मैं गोरोका शो देखने गया था. रात में मैं प्रेजेंट के फ्रेंड के घर पे रुका था. फिर आज अगला दिन हो चुका है. प्रेजेंट गोरोका में ही रुक गई है, उनको अपने फ्रेंड के साथ कुछ काम था. मैं अकेले गोरोका से वापस माउंट हैगन टाउन आ चुका हूँ. बस के थ्रू आया हूँ. तो प्रेजेंट ने बोला था कि रास्ता सेफ नहीं होगा क्योंकि आप अकेले फॉरनर ट्रैवल कर रहे हो, तो रास्ते में कैमरा यूज मत करना, किसी से बात मत करना. तो मैं मॉर्निंग में 8 बजे निकला था गोरोका टाउन से बस लेके, यानी कि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके. अभी 12 बज रहा है, मैं पहुंच चुका हूँ माउंट हैगन वापस. ये पीएनजी कैब मैंने लगाया हुआ है, जो मैंने पीएनजी कैब यहाँ से ली थी. Sunday the market is closed. Today market is closed? Yes, Sunday. Tomorrow morning we can go. Tomorrow morning we can go. तो माउंट हैगन में यार एक बहुत ही पॉपुलर बहुत बड़ी मार्केट है. बचा संडे है तो वो बंद है, जा नहीं पाएंगे. तो कल वहाँ पर जाएंगे हम लोग. अभी मेरे को नेल्सन कहीं लेके जा रहे हैं. एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं. कहीं पहाड़ों के ऊपर कुछ विलेज में लेके जा रहे हैं. चलो देखते हैं. वेलकम बैक फ्रॉम गोरोका टू माउंट हैगन. थैंक यू सो मच. यू आर वेरी सेफ. मेरे को प्रेजेंट बता रही थी पूरे हाइलैंड में जो ट्राइबल फाइटिंग होती है 3 रीजन से होती है. Why do tribal fighting happens here? Because of land, women and pig. Three things. तो जितनी भी यहाँ फाइटिंग होती है सिर्फ मेनली 3 वजह से ही होती है, लैंड, वुमेन और पिग. और मेरे प्रेजेंट बता रही थी जब यहाँ फाइटिंग होती है ना तो लोग एक दूसरे को काट डालते हैं, एक एक फिंगर तक अलग कर डालते हैं काट काट के. एंड पीपल किल ईच अदर. पीपल किल ईच अदर. दे काट ईच अदर. दे काट ईच अदर. कट बॉडी पार्ट्स. एवरीथिंग कट. तो यहाँ पे कुछ रीजन काफी ज्यादा डेंजरस है. खैर अभी तक तो मैं सेफ हूँ. पिछले 2-3 दिन से मौसम काफी ज्यादा ठंडा था, बट आज काफी तेज धूप निकली हुई, मौसम काफी गर्म लग रहा है. संडे को यहाँ हाइलैंड रीजन में काफी कुछ बंद रहता है, तो आज संडे है यार, तो बहुत कुछ बंद है. रोड भी काफी खाली खाली लग रही है. आप लोगों ने देखा हर जगह कितने सारे लोग रहते थे, पूरी रोड भरी रहती थी, कितना क्राउड दिखता था, बट आज पूरा खाली खाली दिख रहा है. कल फिर से दिखेगा. अभी हम लोग जा रहे हैं इस लैंड क्रूजर में पेट्रोल डलवाने. इवन पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप भी काफी सारे बंद है, मिल नहीं रहे हैं. 2-3 गैस सब बंद पड़े हुए हैं और ढूंढते हैं. सुबह ना क्लोज. अरे यार, सारे पेट्रोल स्टेशन बंद है, पेट्रोल कहाँ डलवाया आदमी यहाँ पे. चलो एक और, हम लोग ये 5वें या 6वें पेट्रोल स्टेशन पे आए हुए हैं. आई होप खुला. ये दिस आल्सो क्लोज. या ओ शिट. फाइनली 7-8 अलग अलग पेट्रोल स्टेशन जाने के बाद एक मिला है जो ओपन मिला है. तो मैं इनके लैंड क्रूजर में 100 कीना का पेट्रोल डलवा रहा हूँ. ओके. पेट्रोल यहाँ पे अराउंड 5 कीना पर लीटर के आसपास है, 2300 रुपए का पेट्रोल. हेलो मॉर्निंग. कैसे हो? पेट पिग. तो यहाँ पर काफी जगह माउंट हैगन में लोग अपने घरों में इस टाइप का पिग को पाले रहते हैं एज अ पेट. पिग की यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू है. हाउ ओल्ड इज दिस पिग? 5 years. 5 years old. What you will do it? We'll make a moo. What is moo? Food. Yeah, food. Okay. Also make a compensation. Compensation? Yeah. Compensation for marriage? Yes. Marriage too. Marriage also. Okay. Who is married here? No one. You're married? Yeah. In your marriage, you give pig? Yeah, yep. I give... How many pigs? I give 50 pigs. 50? Yes. 50? 50. Oh my God, so much. So many pigs. 50. Yeah. Yeah. 20,000. And make 20,000. And one pig, how much cost? Cost 2,000. 3,000. 2,000, 3,000, 4,000 kina. Yeah. You gave 50 pig and money also? Yeah, yep. Also money. 20,000. 20,000. 20,000. 20,000 cash. 20,000 cash. Yes. Oh. So here everyone, they give pig for marriage. Yes. No pig, no marriage.
No pig, no marriage. Pig is most important. Pig is most valued. Most important than money. Yes. Yeah. You give pig to the family of your wife. Yep. Yeah. Your in-laws. Yeah. Okay. क्योंकि पास चार पांच या छह pig हैं आसपास. पांच छह तो मेरे को ही दिख गया ये देखो. मोस्टली दो पर्पस से काम आते हैं, एक पहले खाने के लिए, दूसरे कम्पनसेशन के लिए. और कुछ क्राइम हो जाता है तो उसके कम्पनसेशन में भी पिक देख के हिसाब बराबर करते हैं. कुछ ऐसा यहाँ पे पिक की बहुत ज्यादा वैल्यू है, पैसों से भी ज्यादा, सब चीज से ज्यादा. तो यहाँ पे आपको हर घर में पिक मिलेंगे, कहीं कम कहीं ज्यादा. अभी तो हम लोग सिटी के आउटस्कर्ट्स में बोल रहे हैं, और डीप विलेज में जाओगे ना, एक एक फैमिली में 100-100, 200-200 पिक रहते, इतने ज्यादा. ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू. थैंक यू. तो काफी डिफरेंट, काफी यूनिक कल्चर है यहाँ पे यार. पिग नहीं है तो कुछ भी नहीं है इनके लाइफ में. मेरे को अभी पता चला नेल्सन मैरिड है, अभी तक मेरे को पता नहीं था. इनकी वाइफ और कहीं रहती है काम की वजह से, महीने में एक या दो बार इनके विलेज आती है. सो नेल्सन, व्हेन यू गॉट मैरिड, हाउ मेनी पिग यू गिव टू योर वाइफ? आई वाज मैरिड इन 2022 लास्ट ईयर जून. ओके. We made about 105 pigs. You gave 105 pigs? Pigs, yeah. Oh my God. What else you gave? 118,000 cash money. Kina. तो यहाँ पापुआ न्यू गिनी में जो पिक का प्राइस है वो 1,000 किना से लेकर 5,000 किना के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पिक. लगभग हो गया 23,000 इंडियन रुपीज से लेकर 1,25,000 रुपए तक का प्राइस है एक पिक का यहाँ पे. हेलो, आई कम इनसाइड फ्रॉम हियर. तो यहाँ पर कोई स्कूल है यार, स्कूल का ये परफॉर्मेंस हो रहा है माउंट हैगन में. लोग मार्च पास कर रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट. हेलो, ओके. हेलो, हाउ आर यू? फाइन. हेलो, कोई स्कूल यार जो कि चर्च से रिलेटेड है, इसलिए संडे को यहाँ पे कुछ मार्च पास्ट हो रहा है. अलग अलग ग्रुप है स्कूल का. गाइस, अभी हम लोग माउंट हैगन के कुछ माउंटेन की काफी हाइट पे आए हुए हैं. तो अभी हम लोग काफी ऊपर है टाउन से. आई थिंक शायद आधे से एक घंटे की ड्राइविंग हुई होगी. तो काफी लोग यहाँ पर विलेजर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हम लोगों को. यू ऑल विल टेक शावर हियर? यस. तो यहाँ पे नेचुरल वाटर आ रहा है माउंटेन से, पूरा नेचुरल स्प्रिंग ऑफ वाटर है. तो सारे लोग यहाँ पर शावर लेंगे बोल रहे हैं. तो यहाँ पे आसपास काफी सारा छोटे और बड़े वाटरफॉल भी है. तो एक यहाँ पे ये छोटा वाटरफॉल है, तो सारे लोग यहाँ पर नहाएंगे अब. तो यहाँ पर सारे गांव के लोग, जितने लोग हम लोग के साथ आए हैं, सब लोग यहाँ पे शावर ले रहे हैं ये फ्रेश वाटर से, वाटरफॉल में. इन लोग बोल रहे हैं पिछले 3-4 दिन से हम लोग नहाए नहीं है, पहली आज नहा रहे हैं. मैं तो कल रात में ही नहाया हूँ गोरुका में. सो गाइस, सब लोगों ने शावर ले लिया है यार, उसके साथ मैंने भी शावर ले लिया है. और इतना ठंडा पानी था यार कि हालत खराब हो गई नहाने में. उसके बाद हम लोग यहाँ पे धूप में राउंड आधे घंटे खड़े होंगे, तो पूरा कपड़ा, पूरी बॉडी, सब कुछ ऑटोमेटिक सूख गया बिना टॉवल के. तो लोग रेडी होकर वापस अब निकल रहे हैं यहाँ से. और इन लोग अभी यार अपने स्पीकर में इंडियन सॉन्ग बजा रहे थे, तो यहाँ पे काफी लोग डांस भी कर रहे. बजाने के बाद यार मैं काफी गीला था तो मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया. चारों तरफ का व्यू देखो यार, क्या गजब का व्यू है यार. पूरा वाइल्ड व्यू है, इधर पूरा माउंटेन, इधर पूरा वाटरफॉल, इधर कई सारे बनाना के ट्रीज हैं. इस पूरे रीजन में टी और कॉफी की प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा. और इसके बाद पूरा ये पीएनजी का हाईलैंड रीजन बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच एरिया है. यहाँ पर गोल्ड और कॉपर की माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ के गोल्ड एंड कॉपर पीएनजी की इकोनॉमी एंड जीडीपी में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. तो यहाँ पे यार आसपास काफी सारे विलेज है, जितने सारे लोग के साथ है लोग है ना, उनमें से किसी का ये कोई और विलेज है. हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं. एक एक करके सारी गैंग लैंड क्रूजर से उतर रही है. Hello. What is this? This is SB from Papua New Guinea. We usually drink it. This is beer, no? Yeah, it's a beer. Local beer? Yeah, local beer. I can see it. Yeah, well, that's SB. तो ये देखो, ये local beer है यहाँ की, Papua New Guinea की SB beer. Yeah, that's SB in Papua New Guinea. It's a popular beer here. Yes. 4.5% alcohol. What is full form of SP? SP means South Pacific.
साउथ पैसिफिक साउथ पैसिफिक बियर है, इसका मैंने नाम सुना था उसके, साउथ पैसिफिक बियर। तो यहाँ पे काफी सारे लोग, काफी सारे बच्चे यहाँ पे, हेलो हेलो हेलो, तो लोग दूर से हाय हेलो करके बुला रहे हैं, चलो पास चल के देखते हैं, पूरा गांव है ये। हेलो आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, इनकी ये लोकल शॉप है यहाँ की। हेलो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नाम मालेगाई। मालेगाई, यप, ओके ओके। एंड यू कम विद मी एंगल नाउ? या या या, एंड गुड टू मीट यू। या गुड टू मीट यू टू। यू वेलकम इन माय। थैंक यू सो मच। यू ऑल आर ड्रिंकिंग बियर, एंजॉयिंग बियर ऑन संडे? यस। या हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तोरवशु। Washu. Washu. Yeah. Where are you from? India. India. Yeah. Yeah. Hello. Hello. Okay. बोल रहे यार पास में आओ, हैंडशेक करो। Hello. 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 Nice to meet you too. I'm Nelly mom. हाँ? I'm Nelly mom. Nelly mom. Oh. तो सब लोग यहाँ पे यार ताश पत्ते खेल रहे हैं। You all are playing cards here? Yeah. Oh. हेलो हेलो, तो सब लोग यहाँ पे पैसे देख के खेल रहे हैं, यहाँ पे कार्ड्स। कार्ड प्लेइंग विद मनी। ओके ओके, बेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके अभी देखो ये झाड़ियों के बीच से कहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, उधर कुछ बच्चे लोग अपना कुछ लोकल गेम खेल रहे हैं, चल के देखते हैं। लोकल गेम, मनी। यार ये काफी बड़ा गांव है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, तो इन लोग यार कुछ लोकल गेम खेल रहे हैं सिक्कों से, कॉइन से। सब लोग यार सिक्के हिला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये देखो। ओ कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है। यू वॉन? तो इनका घर है ये विलेज में। आई कैन गो इनसाइड? तो देखो मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ काफी सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, दिस हाउस यू कैन सी, दिस इज नॉट लेडीज हाउस, दिस इज द लाइक फॉर मेन, अरे यार मेन एंड यंग वाइज। ओके ओके ओके, नो लेडीज, लेडीज डोंट कम हियर, नो लेडीज, मेन ओनली, मेन ओनली। ओके ओके, मेन ओनली, सो मेन टॉक, मेन टॉक फॉर फाइट, and they want to trying to fight with the other tribes, they come here to fight here. Yeah, काफी सारे लोग है यार, ये देखो यहाँ पे इस टाइप का बेडिंग लगा हुआ है, मैट्रेस बिछा हुआ है, पतला पतला लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम ठंड रहती है, तो यहाँ पर इन लोग ये फायर भी चलाते हैं इसको गर्म करने के लिए। Yeah, we make fires. तो यहाँ फायर करते हैं हट को गर्म करने के लिए। And we kill pigs. We kill, yesterday we kill 7 pigs here. 7 pigs? Yeah. ये कल लोग 7 pig को मारे here. We invite our member. So it's a tribe man here. We kill 7 pigs. Pigs. Oh my God. Yeah. After that you all eat it. We all eat it. पिक को कल मार के सब लोग खाए हैं यहाँ पे मिलके। एक तरीके का इनका ये सरपंच है, सिर्फ आदमी लोगों का। You are mostly welcome, and then you India in different colors, but one mentality, you know. Right, right. Yeah, you brother, we are brother. Yeah. When we respect men, we also not make money or this, but we have to kill pig.
Kill pig is the highly things of respecting men. Okay. So for every occasion you kill the pig. Yeah, we kill the pig. Okay. Nelson is your sister's son. Yes, my sister's son. Is your nephew? It's my nephew. Okay. Nelson ke mama hai ye. Your uncle of Nelson. Yeah, I am uncle of Nelson. My brother. Where you from? I'm from India. India. That's good. That's the farm country. इन्होंने कल जो 7 पिक को मारा है कह रहे यहाँ पे कुक किया है तो फॉर यू पिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एनी अदर थिंग व्हेन यू गॉट मैरिड हाउ मेनी पिक यू गिव आई गिव 50 पिक तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे टी और कॉफी का प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है तो ये देखो ये कॉफी का ट्री है कॉफी बीन ओके अभी कच्चा है बाद में पकेगा सुखाएंगे तो उससे बनेगा ये कॉफी बीन के शेप का है पूरा जैसे हम लोग फोटोज वगैरह हम देखते हैं इट्स अ नेटिव कैश क्रॉप ओके ओके पीपल जनरेट इनकम फ्रॉम कॉफी This is our normal lifestyle. Yes, we enjoy ourselves. We can enjoy ourselves. Yes, like this. Tore Martillo! Tore Martillo! Tore Martillo! Tore Martillo! Not working now, yes. बोल रहे हर वीकेंड पे सैटरडे संडे इस तरह पार्टी करते हैं एंजॉय करते हैं पूरा विलेज पूरा कम्युनिटी खाता पीता डांस करता है ओके आई एम गोइंग नाउ लास्ट वन ओके बाय बाय पापुआ न्यू गिनी वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस नेशन इन द वर्ल्ड है इस कंट्री में बहुत ही कम एरिया में बहुत ही कम लोगों में कलर शेप साइज वेट हाइट टेक्सचर लैंग्वेज इनकम डिजीज टेम्परेचर सब कुछ बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है बहुत ही कम लोगों में पीएनजी ऐसी कंट्री जहां वेरी रिसेंटली कैनिबलिज्म रिपोर्ट किया गया है यानी कि ह्यूमन का ह्यूमन को कंज्यूम करना ज्यादा नहीं आज से लगभग 50 साल पहले तक पीएनजी में जो ट्राइब्स थी इनमें जब किसी की डेथ हो जाती थी ना तो उसकी डेड बॉडी को इन लोग यार कुक करके खाया करते थे पूरे विलेज में बांटा करते थे और ऐसा मानते थे ये एक्ट है लव और ग्रीफ का अपने कम्युनिटी में ही जो लोग मर गए उनको खाते थे पूरी कम्युनिटी मिलके लगभग आज से 10 साल पहले 2012 में ही काफी लोगों को अरेस्ट किया गया ह्यूमन को खाने की वजह से सो गाइस हम लोग वापस अपने माउंट हैगन के घर पे आ चुके हैं जहाँ पे रुके हुए हैं व्हाट शी टेल अबाउट मी शी सेड सम पीपल केम दे लिव इन अ टाउन एंड गो बैक दे डोंट केम टू अ विलेज लाइक दिस टू स्लीप विद अ People are in the village, but she really appreciate you for coming to stay with her in her house, in the village, and she really loves. Thank you so much. She's very nice, very kind. Yes. And the other thing she said, this bilum, you can go back tomorrow, take it with you, put it in a wall in the house. This is handmade. Yeah, this is handmade. She made it. She made it. यार almost सब लोग यहाँ पे इसको use करते हैं पूरा handmade है काफी अलग अलग color structure में आता है ये bilum. ऑलरेडी इन्होंने मेरे को ये बिलूम दे चुके हैं ये पूरा पीएनजी के फ्लैग का बना हुआ है एक और देना चाह रही है अब मैं इनसे क्या बोलूं यार ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस दिस वेरी गुड वेरी ब्यूटीफुल कलर वाले मैं पागल है मैं बोल रहा अंग मां पे मान पर ना आप लाभ न मिलता शी इज गेटिंग ओल्ड नाउ यू आर टू यंग सो यू गो एंड लीव दिस Put this bilum in your house, it will always tell you. Yeah, always. It will always remind me. Reminds you of her. And this village's house, everything. Yeah. इन लोगों ने अभी ये कुछ लोकल डिश ला के मेरे को दे दिया खाने के लिए ये बनाना है आई थिंक मे बी बनाना बॉयल्ड हो या बनाना फ्राई हो मेरे को बॉयल्ड लग रहा है साथ में ये वेजिटेबल बॉयल्ड है इतना मैं खा नहीं पाऊंगा एक ही खाऊंगा खैर इन लोग का ये लोकल खाना इन लोग ऑलमोस्ट डेली ही खाते हैं Hey guys, very good morning और अभी अगला दिन हो चुका है
अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, रेडी हो चुका हूँ और मेरी आज दोपहर में 1 बजे की फ्लाइट है वापस पोर्ट मॉरिसबी की। यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं माउंट हैगन की सबसे बड़ी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उस एरिया में जहाँ पर लोग आपस में दूसरे से लड़ाई करते हैं, आपस में दूसरे को मार डालते हैं, उस जगह पे मेरे को इतने अच्छे लोग मिलेंगे। सब जगह यहाँ पे मेरे को इतने अच्छे लोग मिलेंगे कि मैं क्या बताऊँ। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं कुछ खरीद नहीं पाया था इनको देने के लिए, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कैसे लोग मिलेंगे, मैं कहाँ रुकूंगा, कैसी फैसिलिटी होगी, मेरे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने यार ऑस्ट्रेलिया से खाने के लिए ये ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है, ड्राई फ्रूट एंड नट्स का, तो मैं इनको दे देता हूँ यार। गुड मॉर्निंग नेल्सन। यस गुड मॉर्निंग नेल्सन। आ गए हैं, देखो रॉ एग है, कच्चे एग बोल रहा है, मैं कच्चा एग खाऊंगा, तो अभी ये रॉ एग खाने जा रहे हैं। टेक द कवर आउट। लाइक दिस। इट्स टेस्टी लाइक दिस। या यू लाइक इट? लाइक। तो भाई पूरा रॉग ऐसे ही हल्का सा ऊपर से छेद करके पूरा पी गए। 3-4 कह रहे हैं भाई सब मैं खा जाऊंगा। तो यार अभी सुबह ब्रेकफास्ट में ये चीज एंड ब्रेड खा रहा हूँ और दूध है, माइलो है, तो यही ब्रेकफास्ट करते हैं। यही ब्रेकफास्ट कर ही रहा हूँ जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो यार हमारी दादी जी बहुत अच्छी है। दिस फॉर यू। थैंक्स। थैंक्स। आई गो नाउ। बैक इन यू। ओके बाय 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 बाय। ओके थैंक यू फॉर थैंक यू बाय 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 बाय। समटाइम्स वी मीट यो। जाते हो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। तो हमारी ये लैंड क्रूजर, कल संडे था तो यहाँ पे सब कुछ बंद था, रोड पे चहल पहल नहीं थी, सारी मार्केट बंद थी। आज मंडे है, सब कुछ वापस ही ओपन हो चुका है, काफी सारे लोग दिखने लगे हैं रोड पे, चहल पहल है काफी ज्यादा। तो पूरे माउंट हैगन रीजन में काफी सारी बीटल नट मार्केट है, यहाँ पे लोग बीटल नट के लिए पागल है। देखो क्या हाल बना रखा है, थूक थूक के स्कूट पर करके पूरा लाल कर दिया है सब जगह। तो यहाँ की ये बीटल नट मार्केट है, सुबह 9 बजे पूरी भरी हुई, बोल रहे हैं सुबह 5 बजे खुल जाती है बीटल नट मार्केट। कितने सारे लोग हैं वो भाई साहब, बहुत सारे। हेलो मॉर्निंग मॉर्निंग। ये देखो इनका चूना है ये। मॉर्निंग मॉर्निंग। लाइम यानी चूना। जब मैं पहले दिन आया था माउंट हैगन में, मैं काफी डरा हुआ था, अब सब मेरे को काफी नॉर्मल लग रहा है। जमीन पूरा बीटल नट से भर चुकी है, दब रही पूरी जमीन, बीटल नट से पूरी लेयर बन चुकी है। मॉर्निंग मॉर्निंग। नाइस वन। ओके यू बाय दिस। ओके बाय 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 बाय। चूइंग बीटल नट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आपको कपड़ों की मार्केट दिख रही है, ये बोल रहे हैं सारे सेकंड हैंड कपड़े हैं, थर्ड हैंड भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर सेकंड हैंड कपड़े बल्क में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो पूरी कपड़ों की सेकंड हैंड ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट मार्केट है। हेलो मॉर्निंग। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है पूरे सेकंड हैंड कपड़ों की। ऑस्ट्रेलियन सेकंड हैंड क्लोथ दे पुट इट इन अ बेल एंड देन दे सोल्ड इट टू अस। मॉर्निंग मॉर्निंग। अभी तक आप लोगों ने हाईलैंड्स को, वेस्टर्न हाईलैंड्स को पूरे रीजन में काफी देखा, बट यहाँ की पूरे रीजन की जो सबसे बड़ी मार्केट है वहाँ अभी तक हम लोग नहीं गए हैं, जहाँ पर सब कुछ मिलता है। आप लोगों ने अभी तक सिर्फ बीटल नट मार्केट देखी है। और ये मार्केट भी संडे को बंद रहती थी, कल मैं यहाँ पे आ नहीं पाया था। एज यूजुअल काफी ज्यादा क्राउडेड है, फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ मिल रहा है। हेलो हेलो हेलो। हर एक सामान पूरे डेली लाइफ नीड के, खाने पीने के, खिलौने बच्चों के, हेलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स बैग शू सब कुछ है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा बड़ी और हाईली डेंस मार्केट है। ये देखो ये वन कीना का इतना ऐसा पीनट बेच रहे हैं। ये देखो यहाँ की लोकल ब्रोकली इस रीजन की, 5 कीना की ब्रोकली। और ये देखो ये जिंजर है, देख सकते हो अदरक कैसे यहाँ बिक रहा है, काफी कलरफुल है, ब्राउन व्हाइट एंड रेड कलर के। यहाँ के गाजर कितने कलरफुल यार, लग रहा है पेंट किया गया हो, लेकिन ये तो नेचुरल कलर है इनके। ओ स्ट्रॉबेरी देखो कितने प्यारे स्ट्रॉबेरी, इतने छोटे छोटे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज यार, आई कैन सी इट। देख सकते हो कितने छोटे छोटे यार, कितने कलरफुल, कितने शाइनी। ये 1 कीना का पूरा, ये 23 रुपए का। वेरी गुड। यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लोथ मिल रहे हैं लेडीज के, यहाँ पे मैं तो हैरान हूँ यार, इतने फ्रेश, इतने शाइनी, इतने कलरफुल वेजिटेबल्स हैं सारे यहाँ पे, इतने चमक रहे हैं ये देखो। बाहर के लोग इस मार्केट में आने से काफी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि इसका इम्प्रेशन बना हुआ है कि यहाँ पे जाओगे क्राइम होगा, अटैक होगा, पिक पॉकेटिंग होगा, कोई नाइफ से अटैक कर सकता है। ये क्या बिक रहा है, व्हाट इज दिस? ओके ये देखो इस तरह यहाँ पे एग बेच रहे हैं, कैबेज है, पत्ता गोभी, उसके ऊपर ये फ्राइड एग है,
काफ़ी अलग यूनिक तरीके का एग बिक रहा है। ये ऑमलेट के ऊपर इन्होंने ये स्प्रिंग ऑनियन को स्प्रिंकल किया हुआ है। पाइनएप्पल देखो, रेड और ब्राउन कलर के पाइनएप्पल है यहाँ पे, तो कटे पाइनएप्पल मिल रहा है, इसे खरीद के खाते हैं यार, मन कर रहा है खाने का। हाउ मच दिस? वन किना। वन किना, ओके। तो ये पाइनएप्पल वन किना का 23 रुपये का कटा हुआ, इसे खाते हैं। वेरी जूसी, वेरी स्वीट, बहुत मीठा पाइनएप्पल है, बहुत ज़्यादा मीठा, वेरी टेस्टी। पूरा ये ग्रीन वेजीज पैक होके या तो आ रहा होगा या तो जा रहा होगा, आई थिंक मार्केट में पैक होके आ रहा है सीधे खेत से। हेलो, मॉर्निंग। मॉर्निंग। कमिंग फ्रॉम द फार्म? यस। नाउ यू विल सेल इट हियर? 30 किना फॉर वन बैग। 30 किना होलसेल प्राइस? यस। तो ये बोल रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं। यू ऑल आर फार्मर्स? यहाँ के फार्मर हैं, लेडीज फार्मर, लेडीज किसान। काफी सामान फार्म से मार्केट के अंदर आ रहा है, काफी केओटिक, काफी मजेदार मार्केट है यार ये। हेलो हेलो, ओके सेकंड, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब लोग बोल रहे हैं, हम लोग काफी ज्यादा खुश हैं कि आप इतनी दूर से हमको घूम रहे हैं, हमको देखने आए हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं हम लोग को देखने घूमने के लिए। ये देखिए गाड़ी है, यहाँ पे पूरा सब चिकन रखा हुआ है, इस पे यहाँ पे चिकन लेके आए हुए हैं, मार्केट में बेचेंगे इस टाइप का। तो अभी हम लोग एक दूसरी जगह पे आए हुए हैं, यहाँ पे हट शेप में शॉप है, सारी हट शेप में यहाँ पे इन लोगों का लोकल खाना मिल रहा है। आपको दिखाते हैं लोग क्या क्या खाते हैं। ये तो इनका स्वीट पोटैटो काओ काओ, तो काओ काओ है। यहाँ पे इन लोग मीट को फ्राई कर रहे हैं, देख सकते हो अलग अलग टाइप का मीट है। ये कौन कौन सा मीट है मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे सॉसेजेस है, वहाँ पे वो मीट को काट रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। यहाँ पे काफी सारी शॉप है सब जगह, यहाँ पर देखो अंदर काट रहे हैं मीट को। हेलो मॉर्निंग, इसे लैम्ब, लैम्ब, लैम्ब का मीट है, ये पूरा लैम्ब है। तो लोग सॉसेजेस और मीट को स्वीट पोटैटो के साथ खाते हैं। यहाँ पर मेरे को मार्केट में अभी तक रोटी और चावल नहीं दिखा कहीं भी, बहुत ही रेयर दिखेगा, बहुत ही अच्छी शॉप में, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पे। सो गाइस, अब हम लोग माउंट हैगन के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। 11:30 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद की मेरी फ्लाइट 1:30 बजे की माउंट हैगन से पोर्ट मॉरिसबी, जो की कैपिटल है इस कंट्री का। 1 घंटे की फ्लाइट है, ये डोमेस्टिक फ्लाइट मेरे को पड़ी है 18,000 इंडियन रुपीज में। जाते हुए तो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, इतने अच्छे लोग यहाँ मिले हैं यार। आई डोंट नो लाइफ में कभी दोबारा इन लोगों से कभी मिलना हो कि नहीं होगा, मेरे को तो नहीं लगता, बहुत ही कम चांस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और लोग यहाँ पर आने से डरते हैं, लोगों को मना किया जाता है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑफ डेंजर बहुत ही ज्यादा आई है, बट मेरा एक्सपीरियंस टॉप नॉच रहा है यहाँ पे। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये इनका डोमेस्टिक एयरपोर्ट, लोग एयरपोर्ट में फ्लाइट में इस तरीके का बैग और सब्जी कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका इंस्पेक्शन हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी सैड, नो प्रॉब्लम, आई एम फीलिंग वेरी सैड टू। थैंक यू सो मच सर, इट वाज सेफ फ्लाइट, थैंक यू सो मच। तो मैं चेक इन कर रहा हूँ, यहाँ पर इनका जो ये वेइंग बेल्ट है खराब हो चुका है, ऐसा मशीन ला के यहाँ पे मेरे बैग का वेट कर रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे लोकल्स का बैग है। सो गाइस, हमारी बोर्डिंग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, और नेल्सन मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि आई एम क्राइंग, क्योंकि आप जा रहे हो, मेरे को रोना आ रहा है, आई विल ऑलवेज मिस यू। फिर उसके बाद मेरी PNG की ट्रिप खत्म होती है और मैं फ्लाइट लेके ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ। जब मैं पोर्ट मॉरिसबी से ब्रिस्बेन पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन पे पहुंचा, तो उन्होंने मेरे से मेरी PNG की ट्रिप को लेके उन्होंने काफी क्वेश्चन किया। उनका बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं PNG घूमने के लिए गया था एज अ टूरिस्ट, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक क्वेश्चन नहीं पूछा। 2 दिन से यार मैं सोया नहीं हूँ, और इसलिए काफ़ी अजीब सा फील हो रहा है, 2 दिन से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है मेरे को। ये पापुआ न्यू गिनी की ट्रिप आई थिंक मेरी लाइफ की अगर पर कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे कॉस्टली ट्रिप रही है। ऑस्ट्रेलिया टू ऑस्ट्रेलिया ये ट्रिप मेरे को टोटल सब कुछ मिला के पड़ी है अराउंड 1,20,000 रुपए की। इसमें से मैं आपको अपने PNG ट्रिप के एक्सपेंस का ब्रेकअप दे देता हूँ। मेरा रहने का कोई भी एक्सपेंस नहीं लगा पूरे कंट्री में, पूरे ट्रिप में। तो अगर आप लोगों को मेरी PNG की ट्रिप और PNG का ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी पूरी PNG की ट्रिप कैसी लगी। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी मेरे नाम तुर्भुष, जो कि नीचे लिख के आ रहा है। आप लोगों को मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कंट्री की ट्रिप के साथ।